ठंडी ठंडी लगना शुरू हो गई है। ओए होए क्या यार, जिंदगी यही तो है। देखें जी यार, बाहर निकलें और कारुंचर माउंटेन का आपको नज़ारा देखने को मिले। आए हाय, सदके सदके जिंदगी में। ओ मैं गिर गया, ये मेरा पाँव, पाँव मेरा फिसल गया, ये देखें। और ग्रास जो है इसके नीचे खटा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, मुझे हाथ दो, इधर आ जाओ, पाँव रखो आज से। गिर गया यार, हाथ दो मुझे आराम से। ये ग्रास नीचे खड्डा था, पता ही नहीं चला मुझे यार। हाँ तो अभी भी है। ये एडवेंचर आते तो ये काफ़ी काफ़ी जो है ना हमारे लिए टफ टफ रास्ता, बार बार इसलिए एडवेंचर से भरा ये समय हमारे लिए। एडवेंचर कभी हम भूलेंगे नहीं, नहीं भूलेंगे। और बहुत ही मज़ा भी आ रहा है। हम तलाश में, हम कैंपिंग कहाँ पे करें। ये कारुंचर माउंटेन्स हैं और ये सामने आपको जो बॉर्डर लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये तो हम एक राउंड मारने आए हैं कहाँ पे जो है ना हम अपना बसेरा करें। और आज रात का कर रही, तो वैसे हमने कैंपिंग माउंटेन्स में है तो कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरा फ्रेंड, मेरा स्टूडेंट फ्रेंड रवि है। तो हम तलाश में हैं कहाँ से हम जो है ना लोकेशन ढूँढें, कई फ्लैट जो हमें माउंटेन मिले तो वहाँ पे हमने कुछ आज आग वाग लगा के अपनी रात गुजारेंगे। लोकेशन ढूंढ ली है कैंपिंग के लिए, तो ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। वो लास्ट वाला जो माउंटेन है वहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है। तो इस खतरनाक रास्तों से हम जकड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और दोनों हाथ मेरे काबू हैं। एक अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं जानवरों की। इट इज़ आवर फर्स्ट कैंपिंग इन द माउंटेन्स। तो कोई डर तो नहीं है ना तुम्हें? हाँ, डर के आके जीते है। इस तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है जानवरों की। आई होप हम सेफली जो है ना कैंपिंग करेंगे। पता नहीं चल रहा, पहले हम ऊपर गए थे तो अलग रास्ता था, अभी जा रहे हैं तो शायद हम उसी ही रास्ते से जा रहे हैं, लगता तो ऐसा है। पहुँचे तो पता चले, क्योंकि रात का टाइम है, पता नहीं चल रहा है हम कौन सी जगह पहले डिसाइड करके आए थे। कौन सी जगह थी ये? थी ऊपर वाली कोई थी, पता ही नहीं चल रहा अंधेरे में कि हमने डिसाइड कौन सी जगह की थी। आओ, कौन सी जगह हमने डिसाइड की थी कोई पता नहीं चल रहा। जा रहे हैं ऊपर, पता चले कि भाई कौन सी जगह डिसाइड की हुई। ये नाइट में मेरी पहली कैंपिंग होगी। एक जो मैंने कैंपिंग चूड़ियों में की थी वहाँ पे बहुत ही बहुत सारे लोग थे, और यहाँ पे आज कोई नहीं है, मैं हूँ और रवि है। तो अब जगह पता चली, भूल गए, पता ही नहीं चल रहा हमें। लोकेशन हम डिसाइड करके आए थे, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, पीछे रह नहीं गई है मेरे ख्याल से। कुछ कह नहीं सकते, रात का टाइम है और कुछ पता नहीं चल रहा है।
मेरे ख्याल से पीछे ही लोकेशन है आई थिंक। पीछे है कोई, ये हम इतने ऊपर आ गए हैं, देखें सामने जो नगर पार्क का सिटी है उसकी लाइट्स जो है कुछ नज़र आ रही हैं, पीछे है मेरे ख्याल से। चलो पीछे। ओ मैं गिर गया, ये मेरा पाँव मेरा फिसल गया, ये देखें। और ग्रास जो है इसके नीचे खटा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, मुझे हाथ दो, इधर आ जाओ, पाँव रखो आज से। गिर गया यार, हाथ दो मुझे आराम से। ये ग्रास नीचे खड्डा था, पता ही नहीं चला मुझे यार। हाँ तो अभी भी है ये एडवेंचर, ना रवि भूलेगा ना मैं भूलूंगा। ओहो मैं फिर से फिसलने लगा था। लोकेशन हमें मिल गई है। कौन सी? ये ठीक है, या ऐसा करते हैं यहाँ पे हम अपना टेंट और बैग हम छोड़ के चले ऊपर, देखें। चलो ऊपर चलो, चढ़ जाओगे। रुको, हाथे तो ये काफी जो है ना हमारे लिए टफ बार बार इसलिए एडवेंचर से भरा ये समय हमारे लिए। एडवेंचर कभी हम भूलेंगे नहीं, नहीं भूलेंगे। और बहुत ही मज़ा भी आ रहा है, ग्रास जो उस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता, काफ़ी फिसलन भरा है। मैं गिरा दो मरतबा, एक मरतबा रवि अभी गिरते गिरते बचा है। यहाँ पे ट्रैफिक लगा लेते हैं, क्या ख्याल है? इधर बैग रख लें हम, हाँ। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ आगे चले, क्या ख्याल है? चले उतार बैग, ये बैग मैं उतार, ये रली हमने हाथ की एक, क्योंकि जो मेरे पास मैट्रेस है वो 3 फीट का है, वहाँ पे मैं अकेला सो पाऊँगा, इसलिए रवि जो है उसको सर्दी लगेगी, तो मैंने हाथ किए। हम बैग जो है वो छोड़ के और दूसरी तलाश के लिए निकलते हैं लोकेशन के लिए। बैग्स हमने छोड़ दिए हैं, तो कोशिश यही है आगे चलें, अभी हम काफ़ी सेफ हैं। आराम से लकड़ियाँ ये हमें आग जलाने के लिए काम आ जाएंगी। रवि यार हमने पेट्रोल नहीं उठाया, ये तो भूल गए हम, या शॉपर से जलाएंगे कहीं। यार ये तो बहुत ही ऊपर है, चलें है ऊपर बहुत यार। कुछ देर भरे कुछ सीखना ना, मैं टाइम लैप्स कर रहा हूं, वीडियो बड़ी ज्यादा आ गई। स्टार्ट कर, ठीक है। फाइनली जो है ना हमें लोकेशन मिल गई, हम बड़े दरबदर हुए। रात का टाइम था, कुछ नहीं पता चल रहा था कि हम कौन सी लोकेशन में जा रहे हैं। फाइनली हमें लोकेशन मिली, 2-3 मरतबा गिरे हैं, थोड़ा मुझे यहाँ पे पेन है लेकिन इतना नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। सुलभ हो गए, 2 मरतबा मैं गिरा, 1 मरतबा रवि जो मेरे साथ ये भी कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है।
तो यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, नीचे हम थे नगर पार्कर सिटी में तो बहुत ही सर्दी जो है ना थी, तो यहाँ पे ठीक है, काफ़ी बेहतर है, इतनी सर्दी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पैराशूट ऊपर दे देंगे, फिलहाल हमने जाली पे ही काम चलाया है। तो ये रवि आपको दिखाएगा, हमने जाली लगाई है, मेट लगाया है और नीचे रली बिछा दी है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बाकी सामान भला करेगा। बैठते हैं, कुछ गप्पे मारेंगे, पानी वानी पिए, बहुत थक गए हैं, बाकी उसके बाद आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। फाइनली हमने टेंट सेटअप कर लिया है और अभी हम टेंट में हैं और मेरे साथ रवि, एज यू नो दैट, तो हम बैठे हैं और फिलहाल यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है और अच्छा है, रात यहीं पे गुजारेंगे। हाय दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी मैं कारुंजर माउंटेन में हूँ और हमने आज कैंपिंग की है और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा टेंट है जिसमें हम बैठे हुए हैं, मेरे साथ रवि साहब सो गया है, तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, क्या हाल चाल। और अभी अभी हम उठे हैं और बड़ी अच्छी नींद के बाद, और अभी आपको कारुंजर माउंटेन बाहर का नज़ारा उठते हैं, कुछ बाहर क्या माहौल है, क्या मौसम है वो आपको दिखाते हैं। अंदर तो हम कंफर्टेबल हैं बड़े, हमारे पास ये ब्लैंकेट था और टेंट ने भी अच्छा हमें साथ दिया, उठने लगे हैं। बाहर का मौसम चेक करते हैं क्या सिनेरियो है, एक हवा ठंडी ठंडी लगना शुरू हो गई है। ओए होए क्या यार, जिंदगी यही तो है। देखें जी यार, बाहर निकलें और कारुंजर माउंटेन का आपको नज़ारा देखने को मिले, आए हाय सदके सदके, जिंदगी में तुम पे सदके, आहा। ये बाहर का सिनेरियो है यार, बाल बाल बिखरे पड़े हैं और बड़ी अच्छी नींद की है हमारा टेंट। ये देखें जी नज़ारे, तो काफ़ी जो पिलग्रिमेज हैं यात्री हैं, ये नीचे देखें आ रहे हैं, और ये शिव मंदिर है, थोड़ा ये पहाड़ आ गया इसके पीछे, और नज़ारे चेक करें यार, मैं इधर से आपको दिखाऊं, और बड़ी धुंध है और सर्दी भी बहुत अच्छी खासी है। टेंट में मैं सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना बड़ी बाहर सर्दी है। ये देखें, ये है जी मंदिर, तो यहाँ पे जो भी यात्री आ रहे हैं वो आतरी लगाएंगे, यहाँ पे सेवा करेंगे। रात के टाइम कोई नहीं था, ये शायद हम सोने के बाद हमारे आए हुए हैं, 4 बजे तक कोई आवाज़ आ रही थी तो हम निकले नहीं। तो ये और एक बड़ी हवा की सर्दी की अच्छी लहर, और वापस टेंट में सो जाएंगे क्योंकि हमने आराम करना है। ये रवि देखें जी व्लॉग बना रहा है, तो रात हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी की थी, तो यार बड़ा चस्सा गया ज़िंदगी में, सर्दी लग रही है, भाग गए यार, डरपोक डरपोक यार, नज़ारे चेक करें यार। कल रात मुझे काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया कि यार आप यहाँ पे बैठे हैं, आ जाए हमारे पास, यार देखें आप के लिए बहुत बड़ी रेस्पेक्ट, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये है कि मैं जो अपनी ज़िंदगी है वो गेस्ट हाउस में नहीं गुजारना चाहता, या चार दीवारी में, या किसी दोस्त की उताक में। आएंगे, गपशप करेंगे, आपको टाइम ज़रूर देंगे, लेकिन कुछ ज़िंदगी के जो पल हैं मैं इतनी खाना बदोशी में गुजारना चाहता हूँ जिसकी कोई हद ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके तावन का, आपने जो मुझे कहा कि आ जाएं आप यहाँ, सर्दी है ये है, लेकिन मैं खुद अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए यहाँ पे आया था। नेक्स्ट टाइम आपसे बिल्कुल आपको टाइम देंगे, आपसे गपशप करेंगे। कैंपिंग करने का मतलब यही है कि ज़िंदगी का असली जो मज़ा है, नेचर का असली मज़ा है, नेचर को समझने के लिए मैंने जो है ना कैंपिंग की। और रात का जो सिनेरियो था वो बड़ा हसीन था, और यहाँ पे मेंढकों की आवाज़ थी रात को, अजीब वो गरीब जो बर्ड्स थे उनकी आवाज़ थी, और काफ़ी दूर दिन और जानवरों की आवाज़ थी। मुझे नहीं पता उसका कि वो कौन कौन से थे, लेकिन ये है कि उस चीज़ को हमें समझने का बहुत ही बड़ा मौका मिला जो किसी चौदीवारी या किसी चार दीवार के जो कमरे में वो नहीं मिलती। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने मिस की रात को, ये थी कि सेफ्टी के लिए अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं और माउंटेन्स में कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेफ्टी गियर्स आपके पास होने चाहिए। तो ये चीज़ मैंने रात फील की। कारुंजर माउंटेन्स में ख़तरा तो वैसे कोई नहीं है, और आज तक तारीख में ऐसा कोई वाक़या पैदा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जो चीज़ मिस की तो जो है ना सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, जैसे नाइफ़ हो गया या कुछ स्टिक ऐसी कोई हो गई, तो ऐसा कोई वाक़या पैदा हो तो उसे फेस करने की हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल। बाकी कोई मसला नहीं हुआ, हम सुकून से सो गए थे, और हल्की हल्की हवा थी जो पैराशूट हमने ऊपर डाला हुआ उसकी जो आवाज़ थी, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन रात को जो हमने एंजॉय किया ना यार, बड़ा मज़ा आ गया, और नेचर के इतना करीब, इट विल बी माय फर्स्ट टाइम कि मैं माउंटेन्स में जो है ना कैंपिंग की है, और डे में हमने की थी सालद्रो में ना, तो बड़ा मज़ा आया यार। तो ज़िंदगी को आप एंजॉय करें, यही ज़िंदगी है, और देखें दुनिया घूमें, और बस यही व्लॉग था। यहाँ कैंपिंग यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप ये वीडियो आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरा फेसबुक पेज स्वरूप खत्री फोटोग्राफी है, उसको ज़रूर लाइक फॉलो और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब पे ट्रैवल विद स्वरूप खत्री मेरा चैनल है, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो बहुत से जो लोग हैं आपके साथ अपनी टाइमलाइन पे या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कैंपिंग करना शुरू कर दीजिए, छोटी मोटी हुई लेकिन कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।